गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, नाउ वी रीड चैप्टर 8 यूनिट 4 माय एल्डर ब्रदर। आज हम चैप्टर 8 आपकी यूनिट 4 का जो माय एल्डर ब्रदर है इसकी एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में इसका फर्स्ट है फाउंडेशन, मूवमेंट, फॉर्मली, टर्मेंडियस, स्कॉल्डेड, स्कैरी, स्कॉल्डिंग, अशैम्ड, शेड्यूल और आयरनिंग। देन रीडिंग इज फन। रीडिंग इज फन में इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक टू डू। ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो मुन्ना को करना पसंद थी। मुन्ना लाइक टू प्ले गेम्स एंड फ्लाई काइट्स। ही ऑल्सो लाइक टू ड्रॉ पिक्चर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल। मुन्ना को क्या पसंद था, गेम खेलना पसंद था, पतंग उड़ाना पसंद था और उसको जो पिक्चर मतलब बर्ड और एनिमल की पिक्चरों को ड्रॉ करना पसंद था। उसे ड्राइंग करना भी पसंद था और उसे गेम खेलना पसंद था। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट डिड भैया डू ऑल डे। भैया पूरा दिन क्या करते रहते थे। भैया स्टडी ऑल डे। भैया पूरे दिन पढ़ाई करते रहते थे। क्वेश्चन थ्री, व्हाई वॉज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम। जो मुन्ना था वो खुश क्यों नहीं था जो भैया ने उसके लिए टाइम टेबल बनाया था। अब वो क्यों खुश नहीं था। इट वॉज बिकॉज मुन्ना लव टू प्ले बट देयर वॉज नो स्कोप फॉर इट इन द टाइम टेबल। अब क्योंकि मुन्ना जो था उसे खेलने का उसे बहुत प्यार था, उसे खेलना इतना पसंद था कि उसे खेलने से बहुत प्यार था, लेकिन जो उसके टाइम टेबल में उसका कोई स्कोप ही नहीं था, कोई टाइम ही नहीं था मतलब खेलने का, इसलिए मुन्ना जो था वो खुश नहीं था। क्वेश्चन फोर, How do you think Munna felt when his brother was so strict with him? अब इसमें पूछा है कि आपको क्या लगता है, How do you think जो मुन्ना को कैसा महसूस हुआ होगा जब उसका भैया उसके साथ बहुत strict हो गया था। तो मुन्ना felt disappointed। ठीक है, मुन्ना कैसा हो गया था, disappointed हो गया था। भैया was so strict with him because मुन्ना was playful by nature and always wanted to play games like kabaddi, volleyball etc. क्योंकि मुन्ना इसलिए disappointed हो गया था क्योंकि जो भैया थे उसके साथ बहुत strict हो गए थे और मुन्ना को का नेचर जो था वो प्लेफुल था, खेलने वाला नेचर था। वो हमेशा खेलना चाहता था गेम जैसे लाइक कबड्डी, वॉलीबॉल etc. वो दिन भर ऐसे गेम खेलना चाहता था।